उस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं वहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप जॉबलेस हैं या आप अपने लाइफ को प्रॉपर अर्न नहीं कर रहे, और जहाँ आपको एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, और अमूमन एन्जाइटी को फ्यूचर के साथ बड़ा रिलेट किया जाता है, और उसकी वजह यही होती है कि कमिंग इवेंट होता है उसके लिए वो अपने आप को पूरा नहीं पाता, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल शादी नहीं हुई, उसके हवाले से परेशान है, ऑब्वियसली हमारे छोटे छोटे मसलों को हमने खुद बड़ा किया हुआ है, मसला इतना नहीं होता तो हम उस पे अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाल देते हैं, जहाँ शरीयत में बहुत आसान किया हुआ है। लेकिन बात हुई है कि जब हम तकल्लुफात में पड़ जाते हैं जो माशरे में चल रहे हैं, तो हम अच्छा ऑटोमेटिकली एन्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो सही एनवायरनमेंट भी बड़ा मैटर करता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ मेडिकल बीमारियां हैं, उसकी वजह से भी आप एन्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सही सही डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात में ना ऐड करना चाहूँगा। आपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खूबसूरती से हमारे नाज़रीन को बताया है, और इसके साथ ना डॉक्टर साहब, हमारा जो मुल्क है इसमें बहुत सारे सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आई थिंक कि जो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह बनते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर अगर आप देखें तो हमारे मुल्क का की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे जो कुछ होता है और जो हमारी सियासत है और जो लोग हमारी जो पॉलिटिक्स है इसको परसू करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वो सारी चीज़ें हैं ना जो सारा दिन टीवी देखते हैं या इवनिंग में जो प्रोग्राम देखते हैं, तो यहाँ पर ना एक दूसरे को मसल दिखाने वाली बात होती है, कोई ऐसे टॉक्स तो इस तरह की नहीं होती सब्सटेंटिव। तो जी मैं सबके लिए आई विल रेकमेंड कि आप ज़रूर पॉलिटिक्स को फॉलो करें, बट अपनी एक साइड पे रह के कि हमारा मुल्क कैसे गवर्न होता है और क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इसके हवाले से ज़रूर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप करें, बट ये कि इनको ले के पर्सनल होना, फिर उनको ले के सोचना और इनको ओवरली आप सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को सर्च करते रहना और देखते रहना, तो ये जेनुअनली ये चीज़ें आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इन चीज़ों की तरफ लेकर जाती हैं। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है जो बड़ी कॉमन है, मेरे ख्याल से इसके बारे में भी अवेयरनेस का होना बड़ा ज़रूरी है, कि एक फेनोमेना है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। अमूमन ये देखा गया है हमारे यहाँ जो फीमेल्स हैं उनको ये होती है डिलीवरी के बाद, बट ये कि वहाँ पर बहुत एंग्शियस हो जाते हैं लोग कि ये क्यों इतना ज़्यादा डिप्रेशन में एक लड़की है, एक फीमेल है, वो चली गई है, तो ये क्या चीज़ है और ये कब तक रहती है? देखिए, जब डिलीवरी होती है तो अमूमन हमारे माशरे में जो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि होनी नहीं चाहिए, उस वजह से पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो ये कि अगर लड़की पैदा हो गई है, ठीक है ना, मिसाल अब दो लड़कियां हैं, तीन हैं, चौथी पैदा हो गई है, तो कई लोग अल्लाह माफ़ फरमाए कि वो बिल्कुल एक मैनिक कंडीशन में चले जाते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक बहुत बड़ा अलमिया है और इलम की कमी है, तरबियत की कमी है। सही फिर हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल देखने को पड़ते हैं कि एक डिलीवरी होगी, बच्चा है, माँ है, और इनके ज़िम्मे जो काम है वो कौन करेगा, और अगर करना है तो एहसान जताना है, बातें सुनाना है। अब वो या प्री पार्टम और पोस्ट पार्टम जो वो वक्त होता है, इस वक्त पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अच्छा उस वक्त उनका ख्याल रखना, खाने पीने का, खुराक का, किसी किस्म की कोई ऐसी बुरी खबर उन तक ना पहुंचे। तो हमारे मामले में, अब हमारे माशरे में यानी अगर कुछ और ना हो तो ये टीजिंग जो बातें होती हैं ये बहुत होती हैं, बात सही सुनाना, ठीक सही है, सही या बात किसी को सुना रहे हो, किसी की बात कर रहे होंगे और सुना रहे होंगे उस पेशेंट को, सही तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं, और जिसकी और फिर इमोशनल सपोर्ट जो शोहर की तरफ से होना चाहिए वो बाज़ुकात नहीं होती, तो ये सारे अमल है जो इस वक्त उस बच्ची को उस खातून को जिसकी बच्ची या बच्चा पैदा हुआ है उसको उसकी तरफ ले जाते हैं। या फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे हैं और फिर जी प्रेगनेंसी होगी और फिर बच्चा आ गया है दुनिया में, इसको कौन पूरा करेगा, इसकी ज़रूरत, ऑब्वियसली अगर बच्चा है वो माँ का दूध जो है वो प्रॉपर नहीं बन रहा, तो ऑब्वियसली 19-20 हज़ार रुपये खर्चा पर मंथ, ये भी आप जो इसकी जो बच्चे की खुराक है तो वो मार्केट में वो पूरा करना पड़ता है, फिर अगर आपने कोई ऐसा दूध लेके देना है वो भी खर्चा है,
तो वो भी एक फाइनेंशियली जो हमारे यहाँ बस इसको हम मैं कह सकता हूँ कि ईमान की कमी है और तवक्किल की कमी है। सही। जब अल्लाह ने एक बंदे को दुनिया के अंदर लेके आना है तो दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी मिल जाए उसको नहीं रोक सकती। जब अल्लाह भेज रहा है तो अल्लाह साथ में रिजक भी भेज रहा है, और रिजक और मौत इंसान को आकर जकड़ लेती है, चाहे वो बड़े बड़े किलों में ही अगर छुप जाए, रिजक और मौत। तो ये सारी उस तरबियत की कमी है जहाँ पर हमारे माशरे में एक ऐसा माहौल मिल जाता है उस पेशेंट को, उस माहौल में वो फिर वो कुड़न सी होती है, और उस कुड़न की वजह से वो पेशेंट जो है वो इस डिप्रेशन का चला शिकार जाता हो है। जाता है। अच्छा। तो नाजरीन, जैसे आप लोगों ने ये सुना है कि ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, इससे बचा जा सकता है, ये प्रिवेंटेबल है आपकी केयर से, आपकी इमोशनल और फिजिकल, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट से, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका साथ रहना, ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको एक बीमारी समझा जाए। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है जिससे ना आई थिंक के एवरीबॉडी अमंग अस वो इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करता है, वो है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कहीं ना कहीं हम में से हर एक बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इवेंट ज़रूर हुआ होता है कि विच प्रूव्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर हिम और फॉर आर। तो ये क्या चीज़ होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे कोपअप कैसे किया जा सकता है? अच्छा देखें जी, कुछ अगर हम एन्जाइटी की बात करें, एन्जाइटी डिसऑर्डर्स की, तो इसमें बहुत सारी इसकी टाइप है, जैसे जैसे आपने कहा पोस्ट ट्रॉमेटिक, और या इसके अलावा जनरलाइज एन्जाइटी डिसऑर्डर है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या जिसको हम कहते हैं कि सोशल एन्जाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है जी ना। जी इनकी डिफरेंट डिफरेंट फिर टाइप्स होती है, आगे सिम्टम्स होती हैं, और पैनिक अटैक्स आप कह पैनिक लें, अटैक, एग्जैक्टली। तो ये फिर बहुत डिस्कशन लंबी हो जाएगी। डिफरेंट टाइप्स है, पेशेंट हमारे सामने आता है, वो जब हमारे सामने खुलता है, अलामात बोलता है, तो फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं जी इसकी ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो अच्छा पोस्ट ट्रॉमेटिक है, यानी आपकी ऐसा ऐसा ट्रॉमा, चाहे वो इमोशनल है चाहे वो फिजिकल है, उसके बाद आप यानी वो आपके दिमाग से नहीं निकला। जैसे वो कहते हैं ना कि तलवार की धार का जो जख्म है वो तो भर जाता भर है, जाता है, लेकिन ये जो जबान है इसका इसकी इसका जो जख्म नहीं इसका भरता। जख्म नहीं भरता। तो ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस भी आपको डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं, और वो बाज़ोकात आपको एंजाइटी का भी शिकार करते हैं। वो कहते हैं ना सांप का डसा रस्सी से भी डरता है, तो वो आपको एंटिसिपेशन भी होती है, यार ये मेरे साथ दोबारा ना हो जाए, ये बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ दोबारा ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये इसको जब इंसान एक ऐसी डिप्रेशन में इसकी वजह से एंजाइटी में चला जाता है, और वो इस पे हावी हो जाता है, और उसकी वजह से इसकी डेली एक्टिविटीज़ मुतासर हो रही है, तो इस कंडीशन के लिए फिर मेडिकेशन की ज़रूरत ज़रूरत पड़ती होती है। है ठीक, सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा ना कि आपने मेडिकेशन की बात की है, तो जो हमारे एलोपैथिक सिस्टम है उसमें जो मेडिकेशन है, एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, और जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, अगर उनके अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए जो डिप्रेशन के लिए मरीज़ों को दी जाती हैं, तो उसमें उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें नाजिया, वोमिटिंग, फिर दोबारा से ये इसी खोल में आ जाना, डिप्रेशन, फिर उनका स्टॉमिक अपसेट हो जाना, नींद का ज़्यादा आ जाना या नींद का बिल्कुल ना आना, ये दोनों एक्सट्रीम है, इन पर चला जाना। तो ये मेरे ख्याल में ये तो एक विशियस सर्कल है कि आप जिस चीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ के दोबारा से रीज़न बनती चली जा रही है, तो वो तो आई डोंट थिंक कि वो इफेक्टिव प्रूव हो रही है। तो क्या होम्योपैथिक सिस्टम में ऐसी मेडिसन्स हैं, या आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिन जो ये बीमारी लेकर आते हैं या ये डिसऑर्डर लेकर आते हैं और फिर वो केयर होते हैं प्रॉपरली? जी। हमारे पास होम्योपैथी में मरीज आते ही उस वक्त है कि जब उसको ये कहा जाता है कि आपने ये मेडिसिन सारी उम्र खानी है, ठीक है ना। एक तो हमारे यहाँ मेडिसिन भी इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी, उसको अब वो अपने आटा नहीं कमा सकता, तो वो जाके दवाइयाँ हर माह की खरीदेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो मजबूरन हमारे पास आते हैं। तो हम उनको एकदम तो मेडिसिन बंद नहीं करवाते हैं, कि जब मेडिसिन बंद करते हैं तो वो अटैक उस डिजीज़ का उन पे होता है, और वो पहले से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उन मेडिकल के मेडिसिन से उस वक्त सप्रेशन हो रही होती है। जब सही, आप एक चीज़ को सप्रेस करते हैं और उस चीज़ को आनन फानन बंद कर दें, तो फिर अटैक उसका जो है वो ज़्यादा वॉर्स होता है।
बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन एक पेशेंट है वो बहुत पुराना है और बहुत परसे से दवाइयाँ यूज़ कर रहा है, तो फिर वो मेडिसिन की एक किस्म की एडिक्शन हो जाती है, वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो हम फिर उस पेशेंट के साथ उसकी जो इंडिविजुअल सिम्टम्स हैं वो लेके उसकी जो मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, और ग्रेजुअली वो जो मेडिकल की मेडिसिन खा रहा होता है वो ग्रेजुअली बंद करते हैं, आस्ता आस्ता बंद करते हैं, फिर आस्ता आस्ता अपनी मेडिसिन भी बंद करते हैं, और पेशेंट जो है वो बिल्कुल क्योर हो जाता है, या हमारी मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये होम्योपैथी की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि यू यू डोंट नीड टू टेक मेडिसिन अंटिल योर डेथ, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट के होम्योपैथी ऑन कैमरा के होम्योपैथी के मेडिसिन मैं खासकर इसलिए नहीं बताता कि सेल्फ मेडिकेशन चाहे मेडिकल है चाहे हिकमत है चाहे होम्योपैथी है ये खतरनाक है, ठीक सही है। सही और मैं आए दिन मेरे पास पेशेंट आते हैं और उनसे मैं रिव्यूज़ लेता हूँ वीडियोस की मद में। मेरा जो वेबसाइट है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप विजिट करें, पेशेंट रिव्यूज़ को खुद सुने। ऐसे ऐसे मरीज़ हैं जो कई कई सालों से मेडिकल की मेडिसिन खा रहे थे, तो उनको जो मसाइल थे आस्ता आस्ता मैंने वो मेडिसिन बंद की, अपनी मेडिसिन भी बंद की, और पेशेंट जो है वो बिल्कुल एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गया जो बीमार पड़ने से पहले गुजार रहा था। थैंक यू थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, ये सारी डिस्कशन को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं इस आर्गूमेंट में ये कह सकता हूँ कि एक डिप्रेशन है, ये एक प्रवेसिव इशू है हमारे सोसाइटी में, बड़ा लार्जली ये पाया जाता है और बहुत सारे इसके फैक्टर्स भी हैं जो सारी हमने डिस्कशन में बताए हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करें या एक्सरसाइज करें तो इनसे बचा भी जा सकता है। जैसे पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है वो केयर से और इमोशनल सपोर्ट के साथ और अल्लाह पे तवक्कल कर अगर इंसान को हो तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये कितना बड़ा आपके लिए एक डायलेमा बन जाता है, लेकिन इससे भी बचा जा सकता है। हमारे जो घरों का माहौल है उसमें वायलेंस होती है, एब्यूसिव लैंग्वेज होती है, एब्यूज़ किया जाता है और इमोशनल निगलेक्ट होता है। अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम दूर करें तो बड़ी हद तक हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि डिसऑर्डर की सूरत बन जाता है तो जैसे हमारी फिजिकल एलिमेंट्स हैं तो ये एक मेंटल एलिमेंट है, तो इसके लिए आप यहाँ भी ज़रूर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब थैंक फॉर यू, योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड फॉर योर पार्टिसिपेशन। एंड फिर किसी सेशन में इंशाल्लाह डॉक्टर्स के साथ आप लोगों के सामने फिर हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।